Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the important multiple choice questions from the chapter Going Places. क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस किए हैं, अभी क्वेश्चन 11 से शुरू करना है आज के क्लास में. What is the most unrealistic thing in the story? इस कहानी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा unrealistic है? What is the most unrealistic thing in the story? मोस्ट अनरियलिस्टिक को अगर बोल चाल के भाषा में बोला जाए तो मोस्ट अनरियलिस्टिक का मतलब हुआ सबसे इम्पॉसिबल चीज़, जो चीज़ असंभव हो उसको मोस्ट अनरियलिस्टिक बोलेंगे. जो चीज़ असंभव हो, वो जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है. तो कौन सी चीज़ नीचे दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं थी? ए, व्हेन शी फाइट्स विथ हर ब्रदर, मतलब जब उसका अपने भाई के साथ फाइट लिखा है, जो फाइट वर्बल फाइट हुआ था, फिजिकल नहीं, उसके बारे में बोला है कि क्या ये मोस्ट अनरियलिस्टिक चीज़ है जो सोफ़ी और उसके भाई में जो डिस्कशन चल रहा था, आर्गुमेंट जो हो रहे थे, क्या वो असंभव चीज़ लगता है? बी में, व्हेन हर फादर गेट्स एंग्री, स्टोरी में जब उसके फादर एंग्री होते हैं तो क्या वो असंभव बात था फादर का एंग्री होना? सी, व्हेन हर ब्रदर रिवील्स हर स्टोरी, जब उसके भाई जॉफ ने फादर को बता दिया था, रिवील कर दिया था, मतलब बता दिया था सोफ़ी और डैनी कैसे के मुलाकात वाला स्टोरी, क्या वो मोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ था इस कहानी में? या चौथा ऑप्शन है, व्हेन शी थिंक्स ऑफ मीटिंग डैनी कैसे, अ फेमस फुटबॉल प्लेयर. सोफ़ी जो ये सोचती है कि वो डैनी कैसे से, जो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, ये वो सोचती है, यही बात इस स्टोरी में मोस्ट अनरियलिस्टिक है, मतलब जो रियलिटी में संभव ही नहीं है, वो हो गया मोस्ट अनरियलिस्टिक, जो रियल नहीं हो सकता है. तो उसके ब्रदर के साथ उसका फाइट वो रियल हो सकता है, उसके फादर का एंग्री वो रियल हो सकता है, उसके ब्रदर का स्टोरी बता देना वो भी रियल चीज़ ही है. ये चीज़ कि वो डैनी कैसे से मिली थी, जो कि एक सेलिब्रिटी था, यही चीज़ जो है वो लगता है कि असंभव चीज़ है, ये होने लायक चीज़ रियलिटी में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टोरी शी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, व्हाट स्टोरी सोफ़ी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर जॉफ. जॉफ के सामने सोफ़ी जो है वो कौन सा स्टोरी, मतलब अपना इमेजिनेशन से वो उसके स्टोरी का, कहने का मतलब उसका इमेजिनेशन भी है, कि वो जॉफ के सामने
अपना कौन सा स्टोरी मेकअप करती है, मतलब बनाती है, रियल तो था नहीं कुछ, तो मेकअप स्टोरी लिखता है कि कौन सा स्टोरी बनाती है, झूठी स्टोरी बनाती है सोफी अपने भाई जॉफ के सामने। ऑप्शंस देख लो, शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, ये झूठी स्टोरी बताती है भाई को, या शी विल बिकम अ मैनेजर, ये स्टोरी भाई को बताती है, या शी विल बिकम अ फेमस ब्यूटिशियन, ये भाई ये स्टोरी भाई के सामने बनाती है, या ऑप्शन डी है डैनी विल कम टू मीट हर, मतलब डैनी कैसे अगले सप्ताह फिर उससे मिलने आ रहा है। तो जो लोग स्टोरी के थ्रू गए होंगे वो लोग आसानी से ऊपर के तीन ऑप्शंस जो हैं वो तीनों गलत हैं, ठीक है। भाई के सामने वो एक्ट्रेस बनने की बात नहीं करती है, वो तो जैंसी के सामने करती है, भाई के सामने मैनेजर, मतलब ये सब बातें जो हैं तीनों चीज़ें ये वो जैंसी के साथ करती है, भाई के साथ कौन सा स्टोरी बनाती है ये वाला डैनी कैसे, तो उससे संबंधित यही चीज़ लिखा हुआ है कि डैनी कैसे विल कम टू मीट हर। ये भी लिख सकता था दैट शी हैड मेट डैनी कैसे, शी मेट डैनी कैसे भी अगर लिखता तो भी वही आंसर रहता, उसके जगह पे लिख दिया है उसके आगे का बात कि वो ये भी बताई थी कि नेक्स्ट वीक डैनी कैसे से फिर मिलने वाली, तो यही कहानी वो बनाती है जॉफ के सामने। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर सोफी एंड जैंसी, ये तो आसान है, ऑप्शंस देख लो, टीनेजर्स हु आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, दूसरा में है नेबर्स, तीसरा में है कलीग्स, और चौथा में है एक्टर्स। तो इससे सवाल आसान सवाल जो है इस चैप्टर से कुछ हो भी नहीं सकता है कि सोफ़ी और जैंसी कौन थी। सोफ़ी और जैंसी नेबर तो नहीं थी, बिल्कुल बताया गया अनकलीग, एक्टर्स ये तो कोई चीज़ नहीं सूट करता है, जो लोग पढ़े रहेंगे वो लोग ए वाला ऑप्शन पढ़ने के बाद नीचे का ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उनको, और वो आंसर डिसाइड कर लेंगे कि सोफ़ी और जैंसी टीनेजर्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं और वो क्लासमेट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है वो टेक्स्ट बुक का एक सेंटेंस उठा करके और उसका मीनिंग पूछा है, ऑप्शंस दिया है इनमें से क्या है इसका मतलब। वो टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ जो सेंटेंस है वो ये वाला है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ अ ग्राउंड। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस है, ये वही स्टूडेंट पहचान पाएगा जिस स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट जो है वो पूरा पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन जो मैं बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन में, तो वो इसका इसको पहचान जाएगा पढ़ करके कि ये शब्द किसके लिए बोले गए हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में समझा दिया था कि ये एक सेंटेंस है, इस पर मैंने स्पेशली फोकस किया था, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ अ ग्राउंड। अगर पूछ दे कि ये सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है तो क्या जवाब दोगे,
ये सेंटेंस सोफी के बड़े भाई जॉफ के बारे में बोला गया है, उसको डिस्क्राइब करते वक्त बोला गया है। और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सोफी के भाई के मुंह से कोई शब्द निकलवाना उतना ही कठिन है जितना कठिन ग्राउंड में गड़े हुए पत्थर को बाहर निकालना है। ये बताए थे, तो देखो कौन सा ऑप्शन उससे मिलता जुलता मिलेगा आपको। इट वॉज डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम, कि जॉफ के सामने बोलना मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू लोकेट हिम इन अ शॉप, ये बताता है कि उसको किसी दुकान में ढूंढना मुश्किल था। इट वॉज थर्ड ऑप्शन है, इट वॉज डिफिकल्ट टू लोकेट हिम इन फैक्ट्री, कि उसको फैक्ट्री में ढूंढना जो है वो ये इन वर्ड्स के द्वारा बताया जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन पे जो पढ़े होंगे उनको भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला, 50-50 करना पड़ेगा, यहाँ दो गलत आंसर्स कट जाएंगे। ये जो है ये कभी स्टोरी में बोला ही नहीं गया है, और ये जो है ये भी कभी स्टोरी में नहीं बोला गया। तो ये शब्द जो स्पीक वर्ड यूज़ कर दिया है, तो स्पीक, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम, सॉरी फॉर सम टेक्निकल इश्यूज, कुछ रुकावट, कुछ प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकली, तो एक पॉज लेना पड़ा। हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि एक जो सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ अ ग्राउंड, इनका मतलब क्या है। तो दो ऑप्शंस जो हैं, ये दो ऑप्शंस के बीच कन्फ्यूज़न हो सकता है स्टूडेंट्स को। यहाँ लिखा है इट वॉज डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम, उससे बात करना मुश्किल था, एक ये लिखा है, और एक ये लिखा है इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। तो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे, कि इस सेंटेंस का मतलब निकलता है क्या, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम, मतलब है कि उससे बात करना मुश्किल काम था, ठीक है, इसका ये मतलब है, उससे बात करना या उसको कुछ बोलना मुश्किल काम था। और यहाँ लिखता है इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिम, कि उससे कोई जानकारी लेना ये डिफिकल्ट काम था। ये सेंटेंस का जो मीनिंग मैंने आपको समझाया है वो ये ही था कि जॉफ के मुंह से शब्द निकलवाना उतना ही डिफ़िकल्ट था जितना डिफ़िकल्ट काम होता है किसी ग्राउंड में गड़े हुए पत्थर को बाहर निकालना। और मैंने बताया था ही वॉज इंट्रोवर्ट, और मैंने बताया था ही वो कभी कभी मतलब बोलता है, ही स्पोक अ लिटिल, ये बताया है मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेनेशन में जॉफ के बारे में, कि वो ज़्यादातर चुप रहता है, नए दोस्त नहीं बनाता, इंट्रोवर्ट है नेचर वाइज,
तो उन चीज़ों के हिसाब से जो मोस्ट सूटेबल इन दोनों में से आंसर होगा वो होगा कि उससे कोई जानकारी निकालना, ये सबसे इम्पॉसिबल काम था। तो यही इन वर्ड्स का मीनिंग है, मतलब उसका उससे कुछ बुलवाना, तो इसका मतलब है उससे जानकारी लेना। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना ये मुश्किल काम है। ये वाला जो था कि उससे बात करना मुश्किल है, ये गलत, बात करना मुश्किल नहीं है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेना मतलब उससे उसके मुंह से शब्द निकलवाना, उस वो तो ये मतलब रखता है ना, मुंह से शब्द निकलवाना का मतलब हुआ टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। तो ये जो था वो सही ऑप्शन होगा, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहाँ खोई रहती है, वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहाँ खोई रहती है। सो डे ड्रीमर बोला गया है ना, ड्रीम्स में खोई रहती है, तो ऑप्शंस क्या दिया है, इन हर इमेजिनेशन, वो अपने इमेजिनेशन में खोई रहती है मतलब अपनी कल्पनाओं में, बी है इन हर ड्रीम्स, वो अपने सपनों में खोई रहती है, सी है इन हर वर्ड्स, वो अपने शब्दों में खोई रहती है, और डी है इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओनिंग अ ब्यूटी, या अपने इमेजिनेशन में और साथ में इस ड्रीम में खोई रहती है कि किसी दिन वो अपना एक ब्यूटीक खोलेगी जो सब शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक होगा। तो इसमें से इनमें से किस चीज़ में सोफी डूबी रहती थी। अब यहाँ पर जब ऑप्शन ए पढ़ोगे कि सोफी अपने इमेजिनेशन में डूबी रहती थी, तो ये तुमको सही लगेगा कि हाँ इमेजिनेशन में डूबी रहती थी, लेकिन फिर और आगे पढ़ना होगा, बी में मिल जाएगा ड्रीम्स, फिर जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे वो लोग सोचेंगे कि ये भी तो ठीक है कि सोफी जो है वो अपने ड्रीम्स में लॉस्ट रहती थी। फिर आएगा सी ऑप्शन, इन हर वर्ड्स, वो जो बड़े बड़े फेंकती थी, वो जो आउट स्पोकन उसको लिखा था, मैंने बताया था आउट स्पोकन थी, उसको बोला है इन हर वर्ड्स कि वो अपने शब्दों में खोई रहती थी, और लास्ट में लिखा है कि वो अपने इमेजिनेशन में तो खोई रहती ही थी और साथ में उसका ड्रीम जो था वो ये था कि वो अपना एक ब्यूटीक खोलेगी। तो जब तुम ऑप्शन फोर पे आओगे ना, तब तुम को फिर सही चुनाव मिल पाएगा। वन और टू तुमको सही लगेगा कि ड्रीम्स में हाँ खोते खोई रहती थी, इमेजिनेशन में हाँ खोई रहती थी, वर्ड्स में इसमें भी तो खोई रहती थी, वाला उटपटांग बातें वाइल्ड ड्रीम्स सुनाते रहती थी, लेकिन कंप्लीट जो बेस्ट जो इनमें से आंसर है वो आंसर डी है कि वो अपने इमेजिनेशन में खोई रहती थी और उसका ड्रीम था कि वो अपना एक ब्यूटीक खोलेगी, इस चीज़ में सोफी लॉस्ट रहती है। इसमें कंप्लीट दिया है, इसमें अधूरा है, ये भी अधूरा है, सच है लेकिन अधूरा है,
ठीक है, ये तीनों सच हैं, ये तीनों सूफी के लिए सच हैं, लेकिन तीनों अधूरे हैं और इसमें उसको पूरा किया गया है। तो उसका सही ये आंसर होगा कि सूफी इस चीज़ में लॉस्ट रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज जैंसी टेल सूफी, व्हाट डज जैंसी टेल सूफी। अब सबसे पहले तो जैंसी और सूफी के बारे में उनके इस स्टोरी में दो बार उनकी बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है स्टोरी में दो बार सूफी और जैंसी के बीच। एक बार तो एकदम बिगिनिंग में ही जब स्कूल से घर आ रही थी, और फिर एक बार हुआ था कन्वर्सेशन जब जब जैंसी आई थी इंक्वायरी करने के लिए। दो कन्वर्सेशन हुआ था सूफी और जैंसी का, तो दोनों कन्वर्सेशन को मिला करके और पूछा जाएगा कि जैंसी सूफी को क्या बताती है, व्हाट डज जैंसी टेल सूफी। इसके आंसर्स भी कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है, वो तो बहुत कुछ बोली थी सूफी से, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना पड़ेगा। पहले ऑप्शंस देखो, सूफी जैंसी जो है वो सूफी को बोलती है टॉक अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बातें करने के लिए बोलती है, ये तो सरासर गलत है। वो तो उसको अनरियलिस्टिक बातें बोलने के लिए कभी नहीं कहती है, वो तो कहती है रियलिटी में रहो। तो ऑप्शन ए तो एकदम गलत हो गया, टॉक अनरियलिस्टिक मतलब जैंसी ने सूफी से कभी नहीं कहा कि तुमको अनरियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, उसने उल्टा मना किया कि अनरियलिस्टिक बातें मत करो, रियलिटी में आओ। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, जैंसी ने सूफी को, दूसरा ऑप्शन टू बी वाइज। अब ये वर्ड जो है ना वाइज, ये वर्ड आता है चतुर चालाक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या जैंसी ने उसको चालाक बनने के लिए बोला था? यहां पे आपको लगेगा कि हाँ, जैंसी सूफी को जो समझाती है तो उसका ये मतलब निकाला जा सकता है ना कि वो उसको बोलती थी कि तुमको वाइज बनना पड़ेगा, मतलब चालाक तुमको बनना चाहिए। यहाँ आपको लगेगा कि ये तो आंसर हो सकता है, लेकिन फिर आगे भी पढ़ के देख लीजिएगा। सी में लिखा है बी प्रैक्टिकल, यहाँ आप पढ़े हुए लोगों को हो जाएगा कन्फ्यूज़न कि इधर बोलते हैं कि चालाक बनने बोलती थी, ये हमको सही ऑप्शन लगा, तो दूसरा में एक और ऑप्शन जो दे देते हैं वो भी सही ऑप्शन देते हैं कि वो प्रैक्टिकल बनने बोलती है जैंसी सूफी को। खाली अभी पहला वाला गलत है, दूसरा भी सही आपको लगेगा, तीसरा भी सही लगेगा, चौथा पढ़ो, बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। अब तुमको इन तीनों में से, ये तीनों तो सही हैं, तीनों चीज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये तीनों चीज, तीनों ऑप्शन सही हैं कि जैंसी जो है वो सूफी को ज़रूर चाहती थी कि वो चालाक हो जाए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने ज़रूर बोलती थी उसको, ठीक है, और ये सेंसिबल होना और बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं देखना, ये भी जैंसी सूफी को बोलती है। तो अगर इन तीनों में से हमको चुनना पड़ेगा तो हम एक वर्ड के आधार पर ये चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
सिर्फ एक वर्ड के आधार पर। और जो लोग टेक्स्ट पढ़े हैं वो लोग एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा कि सेंसिबल वर्ड यूज किया है जैनसी ने सोफी को समझाते वक्त, सेंसिबल वर्ड यूज किया है। इसीलिए ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सही था, सबसे ज्यादा सही चुनना है। तो ये सही था, ये सही था, लेकिन ये क्या था, सबसे ज्यादा सही था कि वो उसको सेंसिबल बनने बोलती है और बोलती है कि बड़े बड़े सपने मत देखो। तो इस तरह से सही, सही और सबसे सही में भी आपका चुनाव करना पड़ सकता है कभी, तो सबसे सही वाला चुनाव उसका राइट आंसर होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।